ये हो गया मेरा पीछे टायर पंचर के वजह से पंचर नहीं हुआ था। बाबा बैद्यनाथ और जगन्नाथ जी इनको सब मनोकामना पूरा करे। यहाँ पे अभी शाम का टाइम हो चुका है और वहाँ मंदिर इसी का रेट है जो 1000। लोग बहुत ही अच्छे होंगे। 12 ज्योतिर्लिंग चार धाम की यात्रा पे आज मेरा है 12वां दिन। कल रात को हम रुके हुए थे एक माँ के मंदिर में। भुवनेश्वर शहर से लगभग 10 किलोमीटर पहले ही पूरी जाने के रास्ते में ही ये मंदिर मिला मुझे। तो अभी यहाँ पे जो हम फ्रेश हो गए, तैयार हो गए यहाँ से निकलने के लिए जगन्नाथपुरी के लिए। जगन्नाथपुरी का दूरी यहाँ से 55 किलोमीटर है, तो शाम तक हो सकता है कि जगन्नाथपुरी हम पहुँच जाएँ। फिलहाल आप लोगों को हम दिखाते हैं कि कहाँ पे कल रात को रुके थे और यहाँ का जो मंदिर का पूरा व्यू आप लोगों को दिखाएंगे। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे एक तालाब है, इधर एक बगीचा है, यहाँ पे हम स्नान किए, बाकी अपना साइकिल जो है इधर अपना साइकिल लगा हुआ है। ये जो है मंदिर है, मंदिर का फ्रंट साइड उधर है, ये बैक साइड है। और आप लोगों को हम दिखाते हैं कि हम रात को कहाँ सोए थे। खाना रात को हम इधर ही खाए थे। ये यहाँ का किचन है, ये रास्ता है, यहाँ से राइट लेंगे तो हम पूरी वाला रास्ता मिल जाएगा मुझको। और रात को हम जो है इसी जगह पे रात को सोए थे। मंदिर का उधर है फ्रंट, आप लोगों को दिखाते हैं। यही है यहाँ का मंदिर, आप देख सकते हो। इस मंदिर में जगन्नाथ जी है और यहाँ पे माँ का मंदिर है, फिर हनुमान जी और फिर भोलेनाथ। तो माँ का आप लोगों को हम दर्शन नहीं करा सकते फिलहाल, आप लोगों को जगन्नाथ जी का दर्शन करा दें। जय जगन्नाथ जी। तो यही है यहाँ के मंदिर के पंडित जी, इनका जो घर है ये जगन्नाथपुरी में है, लेकिन वो यहाँ पे पूजा करते हैं, यहीं पे रहते हैं ये। तो वहाँ से मंदिर से हम निकल गए और हमारे पीछे जो रास्ता आप देख रहे हो वो चले जाता है सीधे भुवनेश्वर की ओर। और यहाँ से कच्ची सड़क थोड़ा सा जाके हम मिल जाएंगे पक्की सड़क में जो चले जाएगा जगन्नाथपुरी की ओर। अब भुवनेश्वर से जैसे ही पुरी बाईपास में जाओगे पुरी के लिए, तो आप लोगों को बहुत सारा रिसोर्ट, बहुत सारा होटल, बहुत सारा रेस्टोरेंट मिलेगा पूरे रास्ते में आप लोगों को मिलेगा, कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। अब देख रहे हो रिसोर्ट वगैरह यहाँ पे, होटल रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा अच्छा रेस्टोरेंट सब आपको मिलेगा। देख रहे हो झोपड़ी वाला रेस्टोरेंट है। अब देखते हैं कि समुद्र के पास हम आज पहुँच पाते हैं या नहीं पहुँच पाते हैं, कि कल पहुँचते हैं वो जगन्नाथपुरी पहुँचने के बाद ही पता चलेगा। अभी भी 50 किलोमीटर जगन्नाथपुरी है। वेलकम पुरी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जगन्नाथपुरी 42 किलोमीटर और यहाँ वेलकम का भी साइन दिया है। और यहाँ कुछ कुछ लिखा हुआ है कोणार्क टेम्पल 41 किलोमीटर, काकतपुर 42 किलोमीटर और निमापाड़ा 19 किलोमीटर। तो यहाँ से हम पहुँचेंगे पुरी पूरे 42 किलोमीटर पे जगन्नाथ धाम मंदिर के पास रहेंगे। ना जाने क्यों साइकिल चलाते चलाते बहुत ज़्यादा दम लग रहा है, लग रहा है कि हवा कम हो गया है, तो हवा इसमें जो है अभी फूक के नहीं। क्या बोला तूने? पंप से अभी जो है हवा इसमें डालेंगे, पंप निकालेंगे। देख रहे हैं हवा जो है कम है आगे भी और पीछे भी, तो अभी ये पंप है अपना, पंप को निकालते हैं और फिर हवा भरते हैं। आगे पीछे दोनों साइड हवा बढ़िया से भर लिए, अब चलेगा मेरा साइकिल अच्छे से, चलाने के बाद ही पता चलेगा कि कैसा चल रहा है। पसीना देख रहे हो, बहुत हालत ख़राब है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। अभी तुरंत हवा भरे हम, अभी तुरंत 10 मिनट भी नहीं हुआ, 10 कदम भी हम नहीं चले और यहाँ पे देखिए हो गया मेरा पीछे टायर पंचर। और यहाँ पे घुसा है आप देख रहे हो एक कील, ये देखो ये कील घुस गया, एक छोटा सा कील दिया मेरा साइकिल को पंचर करके, इतना छोटा कील देख रहे हो आप। टेंशन हो गया, सोचे थे जल्दी जगन्नाथपुरी पहुंचेंगे, यहाँ ले लिया पंचर हो गया। अब करो तो क्या करो, आगे देखते हैं कहीं मिलता है पंचर ठीक करने वाला दुकान तो पंचर ठीक करवाएंगे। अब धक्का लगा के चलो। यहाँ पे देख रहे हैं कि एक टायर रखा हुआ है, तो हो सकता है कि यहाँ पे पंचर बनाने वाला मिल जाए या फिर ये कुछ आइडिया बताएं कि कहाँ पंचर बनेगा। भैया ये साइकिल का दुकान मिलेगा इधर कहीं? नहीं, इधर कहीं नहीं, नहीं किधर से रास्ता है? हाँ, इधर रास्ता है।
तरीके से भैया थोड़ा बता दीजिए ना। आगे में रोड है, वो तो कहाँ का रोड है? इधर तो रोड है, वो ब्लॉक चुका है, हाफ किलोमीटर। हाफ किलोमीटर तो यहाँ पे भैया ने बताया कि आधे किलोमीटर दूर में साइकिल का दुकान मिल जाएगा, तो उधर जिधर से हम आए वापस उधर जाना पड़ेगा। हाईवे को छोड़ के एक बस्ती में मुझे आना पड़ा और बस्ती उधर हमको जाना पड़ेगा। पूछते जा रहे हैं, कोई बोल रहा है हाफ किलोमीटर, कोई बोल रहा है एक किलोमीटर, मालूम नहीं कितना दूर पे है ये साइकिल का दुकान, कब बनेगा मेरा पंचर और कब पहुँचेंगे हम जगन्नाथ धाम। तो भैया फाइनली लगभग 8 से 9 किलोमीटर चलने के बाद मुझे साइकिल दुकान मिला। पीछे जो है छोटा छोटा बहुत साइकिल दुकान मिला, एक आके देखे बंद था, फिर उसके आगे आके देखे बंद था, फाइनली एक दुकान मुझे यहाँ पे मिल गया हाईवे पे। ये जगन्नाथपुरी का पुराना वाला रोड है और मेरा जो साइकिल खराब हुआ था, पंचर हुआ था, वो न्यू वाला रोड पे हुआ था, 2 लाइन में, और ये 1 वे रोड है। तो ये 1 वे वाला रोड पे ये साइकिल की दुकान है, यहीं पे अभी हम साइकिल बनाएंगे। सारा सामान अभी अनलोड किए हैं, अभी भैया फ्री हो जाते हैं तो फिर मेरा पीछे का पंचर ठीक करेंगे। तो भैया यहाँ पे जो है साइकिल में हम पिन निकाले थे उस हाईवे पे, पिन के वजह से पंचर नहीं हुआ था। तो यहाँ बल पिन में जो होता है एक रबड़, ये इस रबड़ में प्रॉब्लम था। तो ये भाई साहब आए तो इन्होंने पता करके ये रबड़ को चेंज कर दिया और अभी हवा भर के देख रहे हैं, हवा भर के चेक करेंगे, फिर सामान लोड करेंगे। आगे पता नहीं, आगे भोलेनाथ और जगन्नाथ ही जाने, तो जल्दी से जल्दी हम जगन्नाथपुरी पहुँच जाए, उसके बाद जो होना है हो जाए। हाँ तो भैया फिर से हम निकल पड़े रोड पे, अपनी यात्रा की ओर जा रहे हैं। अभी हम जगन्नाथपुरी का पुराना वाला रोड पे चल रहे हैं और ये रोड जो है 3 किलोमीटर चलाने के बाद वापस उसी रोड पे पहुंच जाएंगे जिस रोड में मेरा साइकिल पंचर हुआ था। तो अभी ये 3 किलोमीटर इस रोड में जाना है, ये 1 वे रोड है, उसके बाद फिर 3 किलोमीटर के बाद 2 लाइन पे पहुँच जाएंगे। हाँ तो जी, वहाँ से पंचर बनवाने के बाद जैसे ही हम हाईवे पे आए, लगभग 10 किलोमीटर चलाने के बाद जगन्नाथपुरी के साइड जा रहे थे, तो यहाँ पे भैया ने, एक दुकान वाले ने मुझे हाथ देके रोका और बोले कि थोड़ा सा चाय बिस्किट पानी पी लो, उसके बाद ही आगे बढ़ना। तो जगन्नाथपुरी में ऐसे ही सपोर्ट मिलता है चारधाम की यात्रा पे निकलने पे। तो आप लोग देख सकते हो ऐसा कुछ दुकान है, ये जगन्नाथपुरी मंदिर से लगभग 27 किलोमीटर पीछे है और यहाँ पे भैया ने मुझे हाथ देके रोका। तो भैया को राम राम, जय जगन्नाथ। तो अभी यहाँ पे पानी दिए हैं और भैया चाय देंगे, चाय पी के उसके बाद फिर यहाँ से निकल जाएंगे। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। यहाँ भैया बता रहे हैं कि सुबह सुबह जो है जगन्नाथपुरी धाम एक दो लड़का गया हुआ है और यहाँ पे अपना आ गया चाय। तो भैया 5 किलोमीटर बस बचा है श्री जगन्नाथ टेम्पल, जगन्नाथ जी का मंदिर, बस 5 किलोमीटर बचा है। तो आधे घंटे के अंदर में हम जगन्नाथ जी पहुंच जाएंगे। सामने मुझे दूर में दिख रहा है जगन्नाथ जी का मंदिर और ये जगन्नाथपुरी का मार्केट है और मार्केट के बीचों बीच में जो है ये मंदिर है। यहाँ पे माहौल दिखने को मिलता है जब रथ यात्रा होता है जगन्नाथ जी का, थोड़ा सा भी आप लोगों को जगह नहीं मिलेगा पैर रखने का, चलने का यहाँ जगह ही नहीं मिलता है, तो गाड़ी तो दूर की बात है। तो फाइनली देख रहे हो हम मंदिर के पास पहुँच चुके हैं और सामने है हमारा जगन्नाथ जी का मंदिर। क्योंकि कार्तिक का महीना चल रहा है, कार्तिक महीने में बहुत ज़्यादा पर्यटक यहाँ पे आते हैं। आप देख रहे हो मार्केट में भीड़ देख सकते हो। अब मुझे ढूंढना है यहाँ पे एक अच्छा सा रूम। यहाँ पे अभी शाम का टाइम हो चुका है और वहाँ मंदिर के ऊपर में आप देख रहे हो छोटा सा दिख रहा होगा, 4 आदमी मिलके जो है मंदिर का ध्वजा चेंज कर रहा है। रोज़ शाम को 5 बजे ये ध्वजा चेंज करने का नियम है यहाँ पे। और यहाँ का ध्वजा का एक चीज़ है कि हमेशा यहाँ की विपरीत दिशा में जिधर से हवा आएगा उसी दिशा में यहाँ का झंडा उड़ते रहता है। और आप लोगों को एक बार भीड़ दिखा दें यहाँ का।
भाई साहब अगर उड़ीसा की बात करें ना तो यहाँ के लोग ज़रा सा भी हेल्पफुल नहीं है, ज़रा सा भी मदद करने वाले नहीं हैं। कुछ पूछो तो कुछ बताएंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा अगर भीड़ लग जाता है तो होटल का जो रेट है ना एकदम आसमान में छू जाता है। अभी एक लॉज आए हुए हैं हम यहाँ पे, एक है क्या बोलता है इसको, बलराम पंडा लॉज ऐसे कुछ करके है, इसको हम बोलते रह गए कि 12 ज्योतिर्लिंग चारधाम यात्रा साइकिल से कर रहे हैं, कुछ बजट में आप हमें रूम दे दो। तो बोल रहा है कि 2000 रुपये से कम नहीं होगा। अगर आप लोगों को रूम दिखाएंगे ना तो आप बोलोगे कि 200 रुपये लायक ये रूम नहीं है। फाइनली हम रूम के अंदर आ चुके हैं, आप हमारे पीछे देख रहे हो यही है यहाँ का रूम, और इसी का रेट है जो 1000 रुपये लिया। आप सोच सकते हो 1 रात का 1000, 2 रात का 2000 रुपया, बहुत ही ज़्यादा महंगा है। तो चलिए यहाँ पे आज रात को हम सोएंगे। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, वीडियो करते हैं समाप्त। वीडियो ख़त्म करने से पहले आप लोग ज़रूर बताना कि ये 1000 का रूम है या 100 रुपये का रूम है, आप लोग ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे नज़र में तो ये बहुत ही घटिया रूम है। इससे अच्छा होता है कि हम अपना टेंट में सो जाते। खैर छोड़िए, जो भी है रूम मिल गया, रात को यहीं गुजारते हैं, वीडियो को करते हैं ख़त्म, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हर हर महादेव।